आधे लोगों के मन में तो ये आ रहा होगा यार इतनी सैड स्टोरिया इतना संघर्ष आधे लोग तो यहीं से बोलते होंगे हमसे ना हो पाएगा तो दोस्तों बिना संघर्ष के तो आदमी डायमंड बनता नहीं जीवन में संघर्ष मेरे भी बहुत रहा है पर आज संघर्ष की बातें नहीं करेंगे अच्छी बातें करेंगे क्योंकि मेरा मानना है बुरा सोचने से दिल पे असर होता है और दिल पे असर होता है तो दिमाग काम नहीं करता है आज बिजनेस में यहाँ तक पहुंचा हूँ कैसे शुरुआत करी किस तरीके से बिजनेस उठाया और कितना कमाया सिर्फ इस पर बात करूँगा मैं क्योंकि मैं जानता हूँ और आप सभी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिना संघर्ष दुख आंसू इनके बिना नहीं हो सकती। तो दोस्तों शुरुआत में ही सबसे पहले सभी गुरुदेव को प्रणाम दिल से कोटि कोटि नमन मेरे माँ बाप मेरे परिवार का आशीर्वाद जो आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं कंपनी एमडी संजीव सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी बड़ी संस्थान मुझे मिली काम करने के लिए दोस्तों इस बिजनेस में, में मेरा आना एक टर्निंग पॉइंट से कम नहीं इस बिजनेस में आने से पहले दोस्तों मैं इस देश की टॉप थ्री कंपनियों में काम कर चुका हूं दैनिक भास्कर ग्रुप और सन नेटवर्क जिसमें एनडी टीवी और एड आते हैं उसमें मेरे काफ़ी समय मेरा दिया हुआ है पैसे कमाने की शुरू से इच्छा रही मेरे पिताजी मुझे पढ़ाने में लगे रहते थे और मैं खुरपात करने में लगा रहता था तो पैसे शुरू से ही कमाने की इच्छा रही इसलिए छोटी सी उम्र में ही पैसे की वैल्यू को बहुत अच्छे से जानने लग गया था बहुत भाग दौड़ करके अपनी एम बी कंप्लीट करी 2012 से नौकरी की शुरुआत करी दोस्त 2018 तक मीडिया सेक्टर में दोस्त उस लेवल तक पहुंचा जिस लेवल पर पहुंचने के लिए लोगों को 20-20 साल लग जाते हैं इतने कमाने के मैंने जरिए अपने आप रखे हुए थे कि दोस्त ऐसा कोई साल नहीं होता था जिसमें मैं बीस से पच्चीस लाख रुपया नहीं कमाता था ऐसा कोई साल नहीं होता था जीवन में मेरे पास इस बिजनेस से आने से पहले सब कुछ था दोस्त अच्छी गाड़ी अच्छा मकान अच्छा नौकरी अच्छा सर्कल सब कुछ मैं इस बिजनेस में भी लाया गया वो भी एक बहुत बड़ी कहानी पर शॉर्ट में जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि जब भी मैं बनारस आता था अपने परिवार से मिलने के लिए आता था होली दिवाली में तो एक ऐसा एक शख्स था जो मुझे हर बार प्लान दिखाता था हर बार मैं दो दिन के लिए आऊँ तो भी प्लान दिखाता था दो घंटे के लिए आऊँ तो भी प्लान दिखाया करते थे पर मैंने कभी नहीं माना क्योंकि दोस्त उन्होंने मुझे दिखाया क्या वही गाड़ी वही लाइफस्टाइल वही घर जो मेरे पास पहले से था अचानक से मेरी मुलाकात 28 जनवरी राजा पैलेस जयपुर में कंपनी के एमडी सर से होती है 20 मिनट की मीटिंग 20 मिनट की मीटिंग के अंदर सात साल का पूरा करियर उन्होंने मेरे पेपर में उतार दिया था और एक ही चीज़ बोली थी ये दोस्त 34 साल 34 साल तेरे पिता ने भी नौकरी की है उनके पास पेंशन का सहारा था तू तो चौबीस साल और नौकरी कर लेगा क्या सहारा मिलेगा कितना बचा लेगा और कितना आगे भविष्य के लिए रख लेगा दो सौ बातें बीस मिनट की मेरे दिमाग में ऐसी घूमी कि उसके बाद ना तो नौकरी करने का मन किया ना कुछ और एक दो तो हफ्ते बाद दोबारा मैं कंपनी एमडी से मिलता हूं और वापस बोलता हूं कि सर कैसे करना है क्या करना है मुझे बस इतना बता दो कि इस बिजनेस में मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा मुझे विश्वास दिला दो कि इस बिजनेस में मेरे जैसा इंसान भी टिक के काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ना कि फॉलोअप के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है एक ऐसा इंसान था जो कंटिन्यू मेरे पीछे फॉलोअप पे फॉलोअप पे करता रहा फॉलोअप पे फॉलोअप करता रहा और जब तक मैंने ज्वाइन नहीं कर लिया तब तक उनका फॉलोअप खत्म नहीं हुआ दोस्त जानना चाहते कौन है जानना चाहते हैं तो दोस्तों और कोई नहीं मेरे पिताजी हैं फौजी आदमी थे जिद्दी आखिर में जब कंपनी के एमडी से मिलता हूं मुलाकात मेरी होती है और सिर्फ एक चीज जब पूछता हूं कि सर हाँ या ना में जवाब दे दीजिए कि मैं सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा उनके एक ही शब्द से बेटा बनारस में जा दस कदम ट्रेनिंग चल रही है उसको अटेंड कर तुझे लगता है तेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए तो इस बिजनेस को करना और फिर भी अगर डाउट रहता है तो मत करना मैं बनारस में दस कदम ट्रेनिंग करने आता हूं दोस्त वो तीन दिन की ट्रेनिंग वो तीन दिन की ट्रेनिंग मेरे लिए टर्निंग पॉइंट होता है वहीं से मेरी जीवन में नौकरी हटी और इस बिजनेस की शुरुआत हुई वो तीन दिन के अंदर मुझे इतना तो समझ में आ गया दोस्त आज तक तूने सेल्स ही किया है बेचना तुझे आता है टीम बनाना तुझे आता है लोगों से मुलाकात करना तुझे आता है यह काम भी तू कर लेगा ये काम भी तू कर लेगा पर कितनी दूर तक जाएगा यह नहीं पता था दोस्तों वहां मेरी एक ऐसे शख्स से मुलाकात होती है पहली बार जिनको आज तक अपने दिल में बैठा के रखा उस दिन से आज तक यह सोच के काम किया कि दोस्त अगर गिरा अगर गिरा तो वो हाथ मेरे पीछे खड़ा हुआ है अगर कहीं कुएं में गिरने की बात भी हुई ना तो इंसान मुझे बाहर निकाल के ला देगा जानना चाहते हैं कौन है जानना चाहते हैं? दोस्त, इस इंडस्ट्री के यंगेस्ट 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 नेटवर्कर से बात कराने जा रहा हूं आपकी तालियां उतनी जोर से होनी चाहिए हमारी कंपनी के सबसे स्मार्टेस्ट लीडर अमित कुमार दुबे सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जो इस बिजनेस में मुझे झेलने के लिए शुरुआती दौर में खूब परेशानी हुई खूब परेशानी हुई पर सभी गुरुदेव लोग का आशीर्वाद रहा बिजनेस तेजी से आगे बढ़ा बहुत आगे बढ़ा और सबसे अच्छी बात इस बिजनेस की दोस्त बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इस बिजनेस ने मुझे मुझे लाइफस्टाइल सिखाई इस बिजनेस ने मुझे जीवन जीने का तरीका सिखाया इस बिजनेस ने मुझे अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है वो सिखाया मैं मेरे सभी गुरु जी लोगों का तय दिल से स्वागत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि एक एक मेरे जीवन में एक एक तिल्ली का काम करता चला गया दोस्तों एक एक अपलाइन लोग इस बिजनेस में गुरु ढूंढते हैं मैंने दोस्त ढूंढा गुरु ढूंढते हैं मैंने दोस्त ढूंढा दोस्त आदित्य सर की बात करूं बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी एक दोस्त से भी बढ़कर उन्होंने मेरा साथ दिया उनकी कई सारी चीजें जो मैंने मेरे लाइफ में अंदर अपने लिए ली और कई सारी चीजें सर ने मेरे से पूछी दोस्त इस बिजनेस की शुरुआत में अगर मैंने बोलते ना अपनी स्पीड को बढ़ाया था तो स्पीड में सबसे ज्यादा सहयोग जो रहा होगा वो आदित्य सर करा बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूसरा दोस्त थोड़ा सा बिजनेस जब आगे बढ़ा एक और बड़े भाई का रूप मुझे मिला यहां पे जिन्होंने पल पल मुझे संभाला पल पल मुझे उठाया क्या गलत है क्या सही है क्योंकि दोस्त नेटवर्किंग कभी जानता नहीं था नेटवर्किंग का एन नहीं पता था डायरेक्ट सेलिंग का डी नहीं पता था फिर भी इस बिजनेस में शुरुआत करी बहुत गलतियां हुई बहुत गलतियां हुई दोस्त बिना गलती के इंसान सक्सेस नहीं हो सकता वही मेरे हाथ साथ भी था बहुत गलतियां हुई पर वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बार बार मुझे सही किया बार बार मुझे सही किया बार बार मुझे सही किया वो इन शख्स और कोइन मिस्टर ज्ञानंद्र शर्मा जी थे गुरु जी के लिए एक जोरदार तालियाँ होनी चाहिए दोस्तों थैंक यू गुरुदेव यहाँ से कारवा दोस्त मेरा शुरू होता है खूब पैसे कमाए खूब पैसे कमाए और सबसे बड़ी बात आज तक 40 महीने के अंदर आज तक मेरा चेक जीरो नहीं हुआ आज तक मेरा चेक जीरो नहीं हुआ आज तक मेरी टीम नहीं टूटी और आज तक पहले ऐसे व्यक्ति हो जो नेटवर्किंग में एस में छत्तीस महीने के अंदर डायमंड बने छत्तीस महीने के अंदर दोस्त लोग 10 साल में बने 8 साल में बने कई सालों का इतिहास लिख ले के लेके आए थे कई कंपनियों से आए थे पर दोस्त ये फ्रेशर जिसको डी नहीं पता था नेटवर्किंग का एन नहीं पता था छत्तीस महीने में सिस्टम का डायमंड था और दोस्त दो महीने और रुकना महीने बाद यहां पे ब्लू डायमंड लगा होगा दो महीने दोस्त इनकम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे से बड़े बड़े इनकम लोग लेके बैठे हुए हैं महीने का तीन से चार लाख की इनकम आ जाती है सपने बहुत बड़े हैं जीवन में, में मेरे आज तक सारे सपनों को मैंने पूरा किया है भले वो सपने में भी देखे मेरे सपने होना उनको भी पूरा किया और खुली आंखों से भी सपने देखे उनको भी पूरा किया ये मेरे अंदर जिद है अगर मैं ठान लू कि मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए दोस्त और इस बिजनेस ने उस सारे सपनों को पूरा करने में मेरा बहुत सहयोग दिया दोस्त बहुत सारी यात्राएं की हैं बहुत पैसा कमाया है एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं बस एक ही सपना है दोस्त इस बिजनेस में इस बिजनेस में आज तक हर काम रिकॉर्ड टाइम पे किया है आने वाले टाइम में भी रिकॉर्ड टाइम पे ही अपना नेटवर्क आगे बढ़ाएंगे और दोस्त सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात आज तक अगर इस बिजनेस में मेरी रफ्तार इतनी तेज रही है तो उसके पीछे मेरी प्यारी सी टीम का हाथ है आप लोग अपने लिए एक जोरदार ताली बजा लेना ईश्वर की कृपा और अपलाइन लोगों का आशीर्वाद है कि आज विनय सिंह के पास में इतनी बड़ी पावर है कि इतने सारे लोग इतने सक्सेसफुल लोग इतने मेहनती लोग आज मेरे साथ काम करते हैं दोस्त वे विनय सिंह कुछ नहीं था इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सहयोग रहा जो यहाँ तक तो पहुंचा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों समय कम है बोलना बहुत कुछ है पर एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा इस बिजनेस में जैसे ओम प्रकाश सर बोलते हैं इस बिजनेस में कोई ये नहीं पूछता कि एम करके आया है या एम करके आया है कोई कुछ नहीं पूछता इस बिजनेस में बस एक चीज पूछी जाती है कि दोस्त क्या तू कर सकता है मेरे बाइक के पीछे बैठ सकता है अपने लोगों से मिलवा सकता है ये पूछा जाता है दोस्त और यही करना ही है यही करना है मैंने भी किया और आप लोगों को भी करना होगा दोस्त वो दिन दूर नहीं जैसे कौशल जी ने बोला ना वो दिन दूर नहीं कि हमारे अपलाइन हमारी टीम और हम जिस भी सेमिनार में जाएंगे उस सेमिनार में अविनाश जाजी को सबसे पहले हेलीपैड देखना पड़ेगा कि हेलीकॉप्टर का उतरेगा ये दिन दूर नहीं दोस्तों दोस्तों आज इतने मान सम्मान इतना मान सम्मान मैं जश्ने काशी फर्स्ट में ज्वाइन हुआ था आज जश्न काशी सात है जश्न काशी फर्स्ट में मैंने शिव कुमार गुरु जी को देखा था उनकी बातें सुनी थी और उस दिन से ये सोचा था कि इस बिजनेस में मुझे कब स्टेज पे बोलने का मौका मिलेगा दोस्त चालीस महीने हो गए आज चालीस महीने में यहाँ तक पहुँचा हूँ अभी स्टेज नहीं छोड़ना है दोस्त हर फंक्शन में विनय सिंह आपको स्टेज पे नजर आएगा ये मेरा वादा है और आने वाले टीम के अंदर आने वाले टाइम के अंदर अपनी टीम के अंदर भी दोस्त बहुत सारी अचीवमेंट निकलने वाली है वो भी कुछ देर बाद आप लोग स्टेज पे देखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद दिल से शुक्रिया और थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू वंस अगेन